या ममता रिमूव हो गई है क्लास से. सो विल स्टार्ट विद आवर यूनिट वन. ठीक है, इनिशियली आई विल गिव यू अ क्विक रिकैप कि हम लोग यूनिट वन में एग्जैक्टली पढ़ते क्या. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले हमारा जो यूनिट वन में है, एज यू ऑल नो, सबसे पहले हमारा चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, उसको हम थोड़ा साइड रखते हैं. सबसे पहले हम लोग का चैप्टर आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपका जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स, राइट और नॉट? यस मैम. तो वी हैव टोटल हाउ मेनी किंगडम्स? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय विच साइंटिस्ट? आरएच व्हिटेकर. इन विच ईयर? 1969. 1969. So before Arch Whittaker, there were three scientists also who gave different different classification. So we can learn it with the help of this one trick, LECH. L for Linnaeus scientist. Linnaeus is called Carolus Linnaeus. E for Ernest. C for Copeland. Copeland. H for your Whittaker. H Whittaker. And इसके अलावा we also have a new sixth kingdom classification, which is given by sixth kingdom classification, Carl Wolf. And we can write it here. Carolus Linnaeus gave two kingdom classification. Ernest gave three kingdom classification. Copeland gave four kingdom classification. R.H. Whittaker gave five kingdom. And Carl Wolf gave Six. Is it clear till here? Yes, ma'am. If I'll ask you, name the five kingdoms. उन पांच के पांच किंगडम्स को मेरे को ना बताओ. तो पहला किंगडम है हमारे पास किंगडम मोनेरा. सेकेंड किंगडम प्रोटेस्टा. थर्ड वेरी गुड. ठीक है, सो वी हैव टोटल फाइव किंगडम्स. इन फाइव किंगडम्स में जो हमारा फर्स्ट किंगडम है उसके अंदर आते हैं सारे बैक्टीरिया. और बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया सब प्रोकैरियोट होते हैं या नहीं होते हैं? यस मैम. होता है प्रोकैरियोट, वो होता है ना जिनके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. यस मैम. यस मैम. एंड प्रोटिस्टा के अंदर हम लोगों ने सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को रखा है. यूनिसेलुलर यूकैरियोट. अब ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है. तो जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को उठाया प्रोटिस्टा में डाल दिया. फंजाई के अंदर हमारे सारे, मतलब अब आगे आने वाले जितने भी किंगडम है इन यूकैरियोट्स है या नहीं? Yes, मैं इसको रफ कर सकती हूँ अब यहाँ से, बिकॉज हमको एक बेसिक आइडिया मिल गया है. मोनेरा का सोल मेंबर बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं. एक है हमारे पास आर्की बैक्टीरिया और एक है हमारे पास यू बैक्टीरिया. वेरी गुड. आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि आर्की बैक्टीरिया के पास एक डिफरेंट टाइप की सेल वॉल पाई जाती है. दैट्स व्हाई ये हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है. वो बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? थर्मोएसिडोफाइल. गुड. थर्मो एसिडोफाइल्स. और वो बैक्टीरिया जो आपके हाई सेलाइन कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं हेलोफाइल्स.
हेलो फाइल्स, वो बैक्टीरिया जो आपके काउ डंग में से मिलता है, मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो कि रूमिनेंट एनिमल्स भी हम उनको बोलते हैं, मिथेनो जॉन्स रूमिनेंट्स। रूमिनेंट क्या होता है? स्टमक, जो काओ बफालोज होता है उनका जो स्टमक होता है उसको रूमिनेंट हम बोलते हैं, और ये मिथेन करता है। फिर इसके अंदर यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आपका साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन। इसके पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता हैज अ सेल, इसके कुछ मेंबर्स है, एग्जांपल एनाबीना एंड नोस्ट्रो, इनके पास एक सेल होती है जो इनका नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सर सेल बोलते हैं। दैट सेल इज नोन एज हेट्रोसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और यही एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन भी करते हैं यू बैक्टीरिया। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो म्यूसिलोजिनस शीथ के थ्रू कवर्ड अप होती है। बैक्टीरिया चार डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं, कौन कौन सी शेप होती है? विब्रियो, बैसिलस, कोका मींस कैसी शेप? स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल, स्फेरिकल। विब्रियो व्हाट? कोमा शेप, कोमा शेप। स्पाइरलम, स्पाइरल, स्पाइरल शेप। बैसिलस, रॉड शेप, रॉड शेप, रॉड शेप। तो पहला किंगडम डन। यस मैम। इसी बैक्टीरिया का अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो वो ऑटो भी हो सकता है और हेट्रो भी हो सकता है, दोनों टाइप का न्यूट्रिशन ये दिखा सकते हैं। ऑटो में फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेट्रो में सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, किसी भी टाइप का न्यूट्रिशन ये दिखाएंगे। इज इट डन? यस यस। अब हम आ जाते हैं प्रोटिस्टा पे। प्रोटिस्टा के अंदर हमने बोला था हमने सारे यूनिसेलुलर एल्गी हो कुछ भी हो हर किसी को रखा, तो प्रोटिस्टा के अंदर आपके कुछ क्लासेस आती है, मतलब इसके अंदर प्लांट लाइक एनिमल्स भी हैं और एनिमल लाइक भी हैं और फंजाई लाइक भी है, हर टाइप का ऑर्गेनिज्म इसके अंदर है। तो हम बोल सकते हैं ना कि प्रोटिस्टा की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। yes, it has no well-defined boundaries because it has plant-like animals, organisms. It has animal-like and it also has fungi-like. हर तरीका का है। Plant-like में इसकी first class क्या? Chrysophytes and डाइनो फ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट। एनिमल लाइक में यूग्लिनॉइड और प्रोटोजोन्स, फंजाई लाइक में फ्लाइमोल्ड्स। वेरी गुड। अब अगर आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करके बैठे होंगे तो आपने देखा होगा क्राइसोफाइट्स जो होता है, क्राइसोफाइट दो चीजों से मिलके बना होता है, डेसमेट्स और डायटम्स। डेसमेट्स आर आल्सो नोन एज गोल्डन एल्गे। इसके अंदर जो डायटम्स है, डायटम्स आर नोन एज डायटमिशियस अर्थ, डायटमिशियस। चीफ प्रोड्यूसर्स भी है ओशियन के। यस मैम। सिलिका से बनी है और सिलिका को इजिली डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हम लोग, वी कैन नॉट इजिली डिस्ट्रक्ट सिलिका। एज वेल एज इसके अंदर डायटमिशियस अर्थ है, सेल वॉल सिलिका से बनी है, सॉप बॉक्स लाइक है
और ये चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन है। ये जिस भी एरिया के अंदर रहता है ना, वहां पे अपना सिलिका इतना ज्यादा डिपॉजिट कर देता है कि उस एरिया की जो सॉयल है उसको हम पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, वो ग्लिटरी सी सॉयल बन जाती है। वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव डायनोफ्लेजिलेट। डायनोफ्लेजिलेट मीन्स इट दे हैव टू फ्लेजिला, वन इज लॉन्गिट्यूडिनल एंड सेकंड इज ट्रांस। And the most common example for dinoflagellate is riptide. With the example for riptide is gonilix. Why we are calling it riptide? Because they have a special capability. They have different type of pigments. On the basis of their pigment, they can show different types of color. It can be green, it can be red, it can be brown, it can be anything else. And they are aquatic. पानी में रहने वाले हैं। दे प्रोड्यूस सम टॉक्सिन्स फ्रॉम देयर बॉडी। अगर ये अपनी बॉडी से टॉक्सिन रिलीज कर रहे, इट मींस दे कैन बी हार्मफुल फॉर अदर एक्वेटिक एनिमल्स। यस मैम, एक्वेटिक एनिमल्स को किल करेंगे। तो वी आर क्लियर विद डायनोफ्लेजिलेट। नेक्स्ट वी हैव युग्लेनाइड। युग्लेनाइड द बेस्ट एग्जाम्पल इज युग्लेना। युग्लेना की जो बॉडी होती है, युग्लेना हैज अ फ्लेक्सिबल बॉडी। फ्लेक्सिबल इज जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ अ It do not have any cell wall. इसके पास कोई cell wall नहीं है, but it has a protein layer. Protein layer which is known as pellicle. Pellicle. ठीक है? Next we have protozoans. Protozoans can be of different type. If they have cilia, then they will be ciliated protozoan. If they have flagella, then they will be called as flagellated protozoan. If in their life cycle they have spores, then they will be called as sporozoans. And if they have amoeba-like structure, then they will be called as amoeba. And amoeba has a special character. They have false feet. Those false feet are known as pseudopodia. And pseudopodia help in their feeding mechanism. Feeding में वो help करते हैं. Next we have slime mold. Slime mold, why we put it into the fungi like? Because it has fruiting body. In the favorable condition, they form a aggregate. That aggregate is known as plasmodium. In the favorable condition, plasmodium. Ma'am, in the unfavorable condition, no? In favorable condition, plasmodium grow up to a several feet. In favorable condition, but in unfavorable condition, it get differentiate. And it produce some spores which get dispersed in air current. Air current dispersed ho jate hain. And their spores have special capability which is their cell wall. True cell wall in ke spores ke upar present hoti hai. Clear? Yes, ma'am. Are we done with your chrysophyte, dinoflagellate, euglenoid, protozoan, slime mold? Next we have fungi. Fungi, the mostly members of fungi are multicellular. We have only one fungi which is unicellular, which is known as yeast. Okay? The function of yeast is also known as saccharomyces. The function of yeast is to bread banana or idli or dosa. ये सब dough बनाने में ये सब में आपका yeast का use होता है. Fungi में their body have thread-like structure. Those thread-like structure are known as hyphae. And the network of these hyphae known as mycelium. Their mycelium can be of two type. Aseptate mycelium or septate mycelium. Aseptate matlab they have no walls. They have no walls. Septate means wall. Or septa means they have true walls. If they have true walls, then in a single chamber, there will be a single nucleus only. And if they have no walls, the nucleus will be distributed as like this only. Yes, so in aseptate condition, we are looking, there are multiple nucleus in a single chamber. In a single chamber, there's a multiple nucleus. So we can call it multinucleated stage, na? Yes, ma'am. Ye aapki hui multinucleated, or we can also call it coinocytic stage. And coinocytic stage, okay? Then,
on the basis of morphology of mycelium, on the basis of types of spores they are forming, fungi can be classified into different classes. And those classes are, I'm going to write it here. The first class is your Phycomycetes. And the second class is Ascomycetes. Third class is Basidiomycetes. And fourth is Deuteromycetes. The most common question that can be asked is which is known as imperfect class of the fungi. Fungi ki imperfect. Which is your Deuteromycetes. Why we call it imperfect fungi? Because there is no sexual reproduction. There is no sexual reproduction known, that's why we call it imperfect fungi. ठीक है, अब आपका जो स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. पहला क्वेश्चन आ सकता है जितना मैंने आपको क्राइसोफाइट डायनोफ्लेजेट बताया कि हु इज योर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन, why we call it dinoflagellate. Dinoflagellate are named as dinoflagellate, why? Because they have two flagellas. One is longitudinal, second is transverse. Next question can be arise, write the three important characters of euglenoid. Differentiate between phycomycetes, ascomycetes, basidiomycetes. Is this type ke questions aapse poochhe ja sakte hain. To make sure phyco, esco, basidio, deutero, in charo ke aap logo ko characteristics yaad hone chahiye. कि किसके अंदर एसेप्टेट याद रखना है, जो फर्स्ट क्लास है आपकी फाइकोमाइसिटीज, इस फाइकोमाइसिटीज के अंदर सिर्फ एसेप्टेट पाया जाता है, बाकी जितनी क्लासेस है तीनों उन सब में सेप्टेट पाया जाता है. याद कर लोगे आप लोग? यस मैम. यस मैम. का स्पोर बनता है इनके अंदर. स्पोर किस टाइप का, सेक्सुअल है एसेक्सुअल है? और फिर उसके अंदर भी याद रखना है कि सेक्सुअल स्पोर अगर बन रहा है तो एक्सोजेनसली बन रहा है या एंडोजेनसली बन रहा है, किस टाइप से स्पोर बन रहा है. याद रह पाता है आपको या नहीं वो चीज? यस मैम. चलो एक ट्रिक बताती हूँ याद करने का तरीका. आपके जो ये एस्कोमाइसिटीज है ना, ये एक एस्कोमाइसिटीज एक अकेली ऐसी क्लास है जिसके अंदर सेक्सुअल स्पोर और एसेक्सुअल दोनों टाइप के स्पोर पाया जाता है. फाइकोमाइसिटीज में सिर्फ सेक्सुअल स्पोर्स पाए जाएंगे और बेसिडियो में सिर्फ एसेक्सुअल, और ड्यूटेरो में सेक्सुअल तो है नहीं, तो इसके अंदर भी एसेक्सुअल. बेसिडियोमाइसिटीज इज द क्लास जिसके अंदर इन्होंने एनसीईआरटी ने लिखा है डाइकैरियन फेज पाई जाती है. अब याद रखने का तरीका सिंपल है. किसी भी क्लास के अंदर अगर दोनों टाइप के स्पोर्स पाए जा रहे हैं, एसेक्सुअल भी सेक्सुअल भी, तो सिंपल याद रखना है जितने भी एसेक्सुअल होते हैं वो बॉडी से बाहर प्रोड्यूस होते हैं. तो बॉडी से बाहर प्रोड्यूस होना इन द सेंस एक्सोजीनस. बताओ. यस मैम. यस मैम. जो एसेक्सुअल स्पोर्स है वो कैसे हैं? एक्सोजीनस. एक्सोजीनस. और सेक्सुअल स्पोर्स कहाँ होंगे? बॉडी के एंडोजीनस. एंडोजीनस होंगे. ठीक है, इसी को ना मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से. ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल स्पोर्स पाए जा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एसेक्सुअल. तो अब जहां पे सिर्फ एक टाइप के स्पोर पाए जाएंगे, अपने इस कॉन्सेप्ट को रिवर्स कर देना. एसेक्सुअल हमेशा एक्सोजीनस. अगर कहीं पे एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों टाइप के पाए जा रहे हैं तो एसेक्सुअल बॉडी के अंदर बनेगा, सेक्सुअल बॉडी के बाहर बनेगा. लेकिन अगर कहीं पे सिर्फ एक टाइप के स्पोर पाए जा रहे हैं तो अपोजिट होगा. सेक्सुअल कैसे बनने चाहिए? एंडो बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? एक टाइप के स्पोर पाया जा रहा है तो इट मीन्स ये कैसे बन जाएंगे? एक्सो बन जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक टाइप के एसेक्सुअल कैसे बनने चाहिए? एक्सो. लेकिन सिर्फ एक टाइप के हैं तो ये बनेंगे एंडो. एंडोजीनस. बताओ आया समझ में? नहीं? यस मैम. चलो, और एस्कोमाइसिटीज के स्पोर्स को बोलते हैं हम आपका एस्को स्पोर, और बेसिडियोमाइसिटीज के स्पोर्स को बेसिडियो
स्पोर। और यहाँ की फ्रूटिंग बॉडी को एस्को कार्प, और यहाँ की फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियो कार्प। दिस इज इम्पोर्टेंट, बताओ याद हो जाएगा? यस मैम। अब आ जाते हैं हम हमारा इसी चैप्टर में, बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में। वी हैव सम एग्जांपल्स व्हिच इज योर, मतलब कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिसको हमने अपने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व नहीं किया। दोज मेंबर्स आर, द फर्स्ट इज योर लाइकन, सेकंड इज योर वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायंस। ठीक है, और एक और है हमारे पास माइकोराइजा। तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन लाइकन, डिफाइन वायरस, डिफाइन वायरॉइड, डिफाइन प्लांट, इट कैन बी आस्क। तो लाइकन इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी फंजाई को फोटोसिंथेसिस करके फूड बनवा के देता है, और फंजाई एल्गी को एक जगह रहने के लिए और मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीजें प्रोवाइड करा देता है। वायरस क्या होता है? वायरस होता है जिसके अंदर आपका डीएनए या आरएनए होगा और प्लस प्रोटीन प्रेजेंट होगा। और वायरस आपके क्या है? एक पैरासाइट है। किस टाइप के पैरासाइट है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। Outside the body, they will behave as non-living, but inside the body, they will behave as a living organism. ठीक है? Yes, ma'am. Viroids have only free RNA. इनके पास सिर्फ free RNA होता है, without protein coat. Without protein coat. Protein coat. Discovered by T.O. Dino scientist in 1971. Prions are only irregularly fold protein. Prions ke andar sif protein paya jata hai. And what about mycorrhiza? Mycorrhiza is again a symbiotic association between fungi and roots of plant, higher plant roots, roots of higher plants, ऐसे लिखना। Is it done? तो इनको हमने कोई जगह नहीं दिया अपने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये बेचारे अलग से ही है। बताओ आया समझ में? नहीं? Yes, ma'am. चलो इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन चैप्टर फिनिश हमारा। देखो यस मैम, पूरा शॉर्ट में मैंने बता दिया। यस मैम, इफ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको विजिबल हो जाए। जैसे मैंने इसको इसी पीडीएफ के साथ करा है, बट आई थिंक आई शुड डू इट विद, चलो कोई नहीं, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। ये पूरा है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैम थोड़ा और बड़ा कर दो। बड़ा करूंगी तो सारा एक में ही नहीं आएगा। चलो मैं आपको शेयर कर दूंगी। यस मैम, ठीक है ना? तो ये आपका हो गया यहाँ तक डन। अब आ जाओ हमारा प्लांटी के अंदर। प्लांटी, प्लांटी को चलो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें, वहीं पे अच्छा लग रहा था, चलो यहीं से करते हैं। एक ही पेज पे आ जाएगा। तो प्लांटी के अंदर अब एक इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ। एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, नहीं करता है? yes, तो किसके अंदर आना चाहिए एल्गी? प्लांट। एक एल्गी है हमारे पास क्लोरेला, विच इज अ यूनिसेलुलर एल्गी। किसमें आएगा? क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, प्रोटिस्टा। लेकिन हमने प्रोटिस्टा में एल्गी तो पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? जस्ट टू इग्नोर कंफ्यूजन, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए
इस वजह से हमने एल्गी को प्रोटिस्टा में नहीं पढ़ा, लेकिन यू हैव टू मेक इट रिमेम्बर कि जितनी भी यूनिसेलुलर एल्गी है वो सब प्रोटिस्टा में आएंगे, जितनी भी मल्टी सेलुलर एल्गी है वो सब प्लांटिंग में आएंगे, बट हम उनको पढ़ेंगे क्या? साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे हमारे पास प्लांटी में आती है एल्गी, और आपको याद रखना है कि भाई ये जितनी भी एल्गी होती है ना, सारी एल्गी की बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड. थैलॉइड बॉडी. What do you understand by thalloid? It is not differentiated into two roots, stem and leaf. Yeah, it means there is a broad like structure जिसको देख के आप नहीं बता सकते कि इसके अंदर ये root है, ये leaf है, ये stem. Undifferentiated body is known as thalloid body. Algae की thalloid body ही होती है, ठीक है? ये हमको यहाँ पे याद रखना है. हमारे पास कुछ ऐसी एल्गी है जिन एल्गी को हम लोग एज अ फूड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपके ऊपर एल्गिन के ऊपर. एल्गिन किस टाइप की एल्गी है? रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी? ब्राउन एल्गी. वेरी गुड. ब्राउन एल्गी. एंड नेक्स्ट वन एल्गी जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है कैरागिन. कैरागिन इज व्हाट? रेड एल्गी. रेड एल्गी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. We have some algaes जिनको स्पेस ट्रेवलर्स यूज करते हैं. कौन सी है वो स्पेस ट्रेवलर्स एज अ फूड यूज करता है? स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला, बिकॉज ये प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है. और कुछ ऐसी एल्गी भी है जिनको हम आइसक्रीम्स की वो जेली होती है ना, वो बनाने के लिए यूज करते हैं. अगर अगर अगार 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 इज अ प्रोडक्ट. एल्गी का नाम ग्रेसिडियम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया. इनसे क्या बनता है? जेलीज एंड आइसक्रीम. जेलीज एंड आइसक्रीम. आइसक्रीम. सो वेरी गुड. नेक्स्ट, एल्गी कैन बी ऑफ थ्री टाइप. थ्री टाइप. द फर्स्ट इज योर क्लोरोफाइट. क्लोरोफाइट. ग्रीन एल्गी व्हिच इज नोन एज ग्रीन एल्गी. नेक्स्ट इज योर ब्राउन एल्गी व्हिच इज नोन एज थियोफाइट. थियोफाइट. नेक्स्ट इज योर रोडोफाइसिस व्हिच इज नोन एज रेड एल्गी. रेड एल्गी. रेड एल्गी. ग्रीन एल्गी आर ग्रीन बिकॉज़ दे हैव अ पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी. वी हैव अ पिगमेंट क्लोरोफिल ए. दे हैव अ पिगमेंट क्लोरोफिल ए डी. ठीक है. ग्रीन एल्गी स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ब्राउन एल्गी स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिया एंड मैनिटोन. मैनिटोन. And red algae store their food in the form of Floridian starch. Floridian starch. Floridian starch. Floridian starch ka jo structure it is similar to amylopectin and glycogen. Very good. Glycogen and amylopectin ke similar hota hai. Oh, very nice. Green algae ke andar we have a specialized structure which is known as pyrenoids. They have a specialized structure. What is the function of pyrenoid? Store protein besides starch. देखो P for pyrenoid तो पहले क्या आएगा? Protein आएगा. फिर beside starch. ठीक है. Brown algae की जो body है उसको तीन part में divide किया गया है. ऊपर leaf like structure, frond, और substratum, midrib. और स्ट्राइप. सबस्ट्रेटम इज ऑल्सो नोन एज होल्ड फास्ट. यू कैन राइट इट होल्ड फास्ट. द जाइंट एल्गी सबसे बड़ी साइज की एल्गी. द जाइंट एल्गी. जाइंट एल्गी. केल्प. केल्प. 100 मीटर.
हंड्रेड मीटर का होता है. रेड एल्गी इज द वन ऑफ द क्लास जिसकी सारे मेंबर्स नॉन मोटाइल हैं. All members are non-motile and red algae can be found in deep oceans. ऐसी बिल्कुल oceans के एकदम depth में ये पाई जा सकती है जहां पे light का कोई penetration नहीं होता है. बहुत कम ही light में ये पाए जा सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव examples. तो वी विल राइट ग्रीन एल्गी के जो examples हैं उसके लिए हमारे पास trick है. US has very clean colonies. Very clean colonies. And brown algae की trick है sulfur. और red algae की trick है pogo per gali gali simsim. Pogo per gali gali लिख लो सिर्फ. What do you understand by U? U for Eulothrix. S for spiro. V for very for Volvox. Clean for Chlamydomonas. Chlorella. Or colonies for Chlamydomonas. U for Eulothrix. ठीक है. S for Spiro वगैरह. चलो. S for Sargassum. Sargassum. E for Ectocarpus. L for Laminaria. F for Fucus. Fucus. D for Dictyota. Dictyota. Pogo for Siphonia. Per for Porphyra. Gully for Gracilaria. Gully for Gracilaria. ये ना छोटी छोटी चीजें बच्चे लिख लेना बिकॉज आई जस्ट रिमेम्बर कि ये जो पीडीएफ है ना जिसपे मैं लिख रही हूँ इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना जो एकदम व्हाइट इंक से लिख रही हूँ ये आई गेस ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है. आई डोंट नो बट ये पूरा बैकग्राउंड ना व्हाइट हो जाता है तो व्हाइट के ऊपर यू नो ना येलो कलर तो बहुत कम दिखाई देगा. तो आई ट्राई कि मैं येलो कम यूज करूँ सो दैट आप लोगों के लिए नोट्स हेल्पफुल हो जाए. अच्छा ये जो रिवीजन चल रहा है वन शॉट का समझ आ रहा है ना. इट्स नॉट लाइक कि बस मैम तो उड़ा रही है. नो मैम समझ आ रहा है. अगर आपको लगे ना कि मैम ये वाला पॉइंट थोड़ा और डिटेल में बता दो तो बता देना बिकॉज मैं अपनी साइड से जितना मुझे लग रहा है मैं उस अकॉर्डिंग करा रही हूँ. अलग होता है कैचिंग पावर तो आप लोग बताना. तो ये हमारे तीनों एल्गी क्लियर है. फिर हमारे पास एल्गी के बाद नेक्स्ट आता है कौन. ब्रायोफाइट. चलो नेक्स्ट वी हैव ब्रायोफाइटा. सो ब्रायोफाइटा के अंदर हमारे पास आता है कि भाई जो ब्रायोफाइटा है आपका उसकी मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है. मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइटिक. गैमेटोफाइटिक व्हाट डिप्लॉइड इन नेचर या हैप्लॉइड. हैप्लॉइड. जिसके अंदर सिर्फ एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और इसकी डिपेंडेंट कौन सी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है. और स्पोरोफाइटिक इज ऑलवेज डिप्लॉइड इन नेचर. ये आपको याद रखना. डिप्लॉइड रिप्रेजेंट टू वन. ठीक है. ब्रायोफाइट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज लीवरवॉर्ट. लीवरवॉर्ट लाइक लीवर लाइक स्ट्रक्चर एंड दे हैव रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ गैमा. वही गैमा कप्स इनका लाइक एक टाइप से क्या हेल्प कर रहे हैं. फ्रेगमेंटेशन या बडिंग बोलते हैं ना इसको. फ्रेगमेंटेशन या फिर बडिंग में हेल्प करते थे ये आपका गैमा कप्स. और इनके पास ब्रायोफाइट्स देखो अब जैसे जैसे हम लोग प्लांट किंगडम को आगे पढ़ते चले जाएंगे उनकी बॉडी थोड़ी थोड़ी डिफ्रेंशिएट होनी शुरू हो जाएगी.
वी वर सीइंग कि एल्गी के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, बट ब्रायोफाइट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ गया है. दे हैव राइजोइड्स, इनकी बॉडी के अंदर राइजोइड्स आए. राइजोइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर बना. और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स? एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर. Exactly. Do you have any doubt, Lakshmi? Raise your hand. Do you have any doubt? Chalo. Leeuwort is clear. Leeuwort mein we have gamma cups, which helps in the fragmentation. If you will see your NCRT book, though, you can see two types of bodies there. The first is your male thallus, and second one you can female thallus. Male thallus is known as entrediopore. Entrediopore, and female thallus is known as archegoniopore. Very good. And the second thing you can see there, नीचे आपका छोटे-छोटे rhizoids आपको दिख रहे हैं. एंड इसके अलावा क्या है? फीमेल थैलस, मेल थैलस हो गया. एक चीज जो मैं मिस कर रही हूँ, डायग्राम आप अच्छे से करके जाना, फीमेल और मेल थैलस वाला. चलो आगे बताती हूँ जब याद आएगा मेरे को. लियोवर्ट के बाद इन्हीं की सेकंड क्लास है मोसेस. ठीक है, मोसेस के अंदर इसका यूनिक कैरेक्टर, दे हैव अ यूनिक कैरेक्टर. दे शो टू स्टेजेस. द फर्स्ट वन इज योर एंड स्पोर डिस्पर्जल मैकेनिज्म भी बहुत अच्छा होता है. स्पोर डिस्पर्जल बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू द लीवरवर्ट. इज इट क्लियर विद ब्रायोफाइटा? Why they need water for fertilization? ठीक है, fertilization के लिए they are dependent on water. After bryophytes we have next class which is your pteridophyte. Very good. No, before starting pteridophyte we need to learn the examples of bryophyte. ना? Yes ma'am. Follow. Write down the examples. Trick बताऊँ उसकी भी अच्छी सी. Yes ma'am. Mary, first place है. Second नहीं. Can anyone related with the examples? Mary. Mary represent examples of leeuwort and baki represent examples of mosses. Kaise? Chalo dekh lete hain. Me represent merkinshia. Re for rhesia. First for funaria. Funaria. S for polytrichum. Polytrichum. Second for sphagnum. And the most important about sphagnum is it release peat moss. इसके अंदर पीट मॉस रिलीज करता है ये. What is the function of peat moss? Peat moss की water holding capacity बहुत अच्छी है. वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी
बहुत अच्छी है. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वी कैन यूज इट फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लीविंग मटीरियल. लीविंग मटीरियल्स के ट्रांसशिपमेंट में हम इसका यूज करते हैं. लेट सपोज मेरे को आपके दिल्ली से कोई प्लांट को मुंबई शिफ्ट करना है, तो वो तो बेचारा प्लांट की डेथ हो जाएगी मुंबई तक जाते जाते. हम उसके बाद पानी वानी कुछ देंगे तो उसके अंदर पीटमोस डाल देता है और पानी डाल देता है. तो पीटमोस क्या करता है, उसके पानी को बहुत ज्यादा टाइम तक होल्ड करके रखता है ताकि पानी जो आपका वो लिविंग मटेरियल है उसका ट्रांसशिपमेंट इजी हो जाए. यस मैम. चलो ये हो गया हमारा. फिर हम क्या कर रहे थे, टेरिडोफाइट. टेरिडोफाइट के अंदर, टेरिडोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी है, दे हैव मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट. इनका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, बट इनका डिपेंडेंट कौन है, गैमेटोफाइट. किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम. अब आप लोगों को आई गिव यू सम होमवर्क्स रिगार्डिंग टेरिडोफाइट. ठीक है, अभी क्लास फिनिश नहीं है, बस सोचना क्लास फिनिश हो गई है. क्या होमवर्क है, टेरिडोफाइट के अंदर हम बोलते हैं कि जो मोस्टली टेरिडोफाइट है, मोस्टली टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं. होमोस्पोरस मींस ये स्पोर्स जो रिलीज करते हैं वो सब सेम साइज के होते हैं. बट वी हैव टू ऐसे प्लांट, दो ऐसे प्लांट है जो कि हेट्रोस्पोरस होते हैं. तो यू नीड टू फाइंड आउट फ्लैजेला एंड साल्विनिया. चलो बताइए अब क्या ही फाइंड आउट करना. सेलेजिनेला, सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया. ये ऐसे दो प्लांट है जो हेट्रोस्पोरस शो करते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज आपको याद रखें, इनकी जो लीफ होती है, इनके लीफ को स्पोरोफिल बोलते हैं. तो अगर वो स्पोरोफिल बड़े साइज की है तो उसको बोलेंगे मैक्रो स्पोरोफिल. और एक होती है छोटी लीव्स, उनको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल. ठीक है, तो आपको इनके एग्जांपल याद रखना है. मैक्रोस्पोरोफिल किसके अंदर पाई जाती है, यही तो वेट कर रही थी मैं, बताओ फटाफट से. और छोटी छोटी लीव्स माइक्रोस्पोरोफिल. एनचार्टी खोल के बैठा हूँ, वहीं से देखिए बताओ. वेरी गुड, सेलेजिनेला, सेलेजिनेला. और एक और एग्जाम्पल, लाइकोपोडियम. वेरी गुड. एंड नाउ वी हैव टू मोर एग्जाम्पल जिनके अंदर स्ट्रॉबेरी एंड कॉर्न्स पाए जाते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. सेलेजिनेला मेन डेटा जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो मैंने आपको सारा शॉर्ट में करा के लिखवा दिया टेरिडोफाइट का. ठीक है, टेरिडोफाइट से ही आपका सीड लाइक हैबिट डेवलप हुआ था. व्हाई, बिकॉज इसके ऐसे दो प्लांट थे जिसके अंदर हेट्रोस्पोरस आए थे. हेट्रोस्पोरस मतलब एक छोटा स्पोर एक बड़ा स्पोर. बड़ा स्पोर को बोलेंगे मैक्रो और छोटे को बोलेंगे माइक्रो. बड़ा साइज का स्पोर किसका था, फीमेल का था, और छोटे वाला मेल का. आपका टेरिडोफाइट की कहानी है. टेरिडोफाइट के बाद वी हैव जिम्नोस्पर्म. तो आ जाओ जरा जिम्नोस्पर्म पे. जिम्नोस्पर्म के अंदर हम भी कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं. लाइक जिम्नोस्पर्म सबसे, व्हाई वी कॉल जिम्नोस्पर्म, बिकॉज दे हैव नेकेड सीड्स. नेकेड सीड्स होते हैं, इनके सीड के ऊपर कोई सीड कोट प्रेजेंट नहीं होता. इसके जिम्नोस्पर्म के अंदर आपका स्ट्रॉबेरी कॉर्न्स कुछ उसके जगह पे कुछ और स्ट्रक्चर पाए जाती है. क्या बोलते हैं हम उनको, कॉर्न्स. कॉर्न्स पाए जाते हैं इनके अंदर.
है ना। तो अब जिम्नोस्पर्म के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल आता है पाइनस साइकस, पढ़ा है ना आपने पाइनस साइकस। जो साइकस है वो किस टाइप की रूट दिखाता है? कोरोलॉइड रूट्स दिखाता है, ये आपको याद रखना है। कोरोलॉइड रूट मतलब व्हाट हैपन इन द कोरोलॉइड रूट? इट कंसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वेरी गुड, बिकॉज ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव पाइनस। पाइनस इन्वॉल्व इन, पाइनस के पास कैसी रूट है? फंगल रूट। कौन सी? फंगल। एक नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है और एक माइकोराइजा दिखा रहा है। तो माइकोराइजा वाला पाइनस है ना? यस मैम। तो ये पाइनस इन्वॉल्व है किसमें? माइकोराइजा के अंदर, ठीक है। इसके अलावा साइकस में दे शो कि साइकस के अंदर कैसा स्टेम पाया जाता है, ब्रांच या अनब्रांच? अनब्रांच। और इसकी स्टेम कैसा पाया जाता है या फिर लीफ के बारे में कुछ इन्होंने बताया हुआ कुछ? कुछ स्टेम या लीफ के बारे में कुछ बताया? चलो वो नहीं बताया हुआ, एक चीज बताया हुआ है, ये बाइसेक्सुअल है यूनिसेक्सुअल है? बाइसेक्सुअल है यूनिसेक्सुअल है? मेल और फीमेल कौन? सेम बॉडी पे, अलग अलग बॉडी पे? अलग 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 बॉडी। यूनिसेक्सुअल व बाइसेक्सुअल क्या टर्म लिखा हुआ है वहाँ पे? यूनिसेक्सुअल है। और पाइनस आपका बाइसेक्सुअल है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, पाइनस की स्टेम ब्रांच हो जाएंगी। और फिर जिम्नोस्पर्म के बाद वी हैव नेक्स्ट वन विच इज योर एंजियोस्पर्म। ये अंदर आपको याद रखना है सबसे जायंट एंजियोस्पर्म, यूकेलिप्टस समथिंग कुछ नाम है उसका। यस मैम, यूकेलिप्टस। क्या साइज है? 100 meter ना? यस मैम। यस मैम। अक्सर होता है कि आपके जिम्नोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं, दे शो डबल फर्टिलाइजेशन। ये ही चीज सिर्फ आपको याद रखनी है। प्लांट किंगडम डन हमारा? यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू द एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम पे आ जाते हैं। एनिमल किंगडम को हम लिखना शुरू करेंगे इधर से। सबसे पहला किंगडम वी हैव पोरीफेरा। पोरीफेरा लाइक पोर लाइक बॉडी इनकी होती है, क्योंकि इनको हम स्पॉन्जीज भी बोल देते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है? एसिमेट्रिक होती है। एसिमेट्रिक बॉडी इनके अंदर पाई जाती है। उसके अलावा इनके अंदर एक सिस्टम पाया जाता है, दैट सिस्टम इज नोन एज वाटर केनाल सिस्टम। इनके अंदर पाया जाता है वाटर केनाल सिस्टम। इनकी जो स्केलेटल सिस्टम है स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। इनके पास कुछ सेल्स होती है जिनको हम कोलार सेल्स या फिर क्वेनोसाइट्स बोलते हैं। एसिमेट्रिक वाटर केनाल सिस्टम। अच्छा चलो एक ना स्टोरी बताती हूँ आपको, स्टोरी वाइज समझना, ठीक है। पूरा 10 मिनट में एनिमल किंगडम फिनिश करा दूंगी मैं। तो क्या है ना, आप ऐसे इमेजिन करके चलना। अच्छा आप लोगों को जब आप 10th क्लास में हो, यू हैव स्टडीड अबाउट इवोल्यूशन चैप्टर। यस यस मैम। डिलीट भी हो गया था बच्चों का, स्टडीड अबाउट इवोल्यूशन। तो आपने वहां पे पढ़ा होगा कि एक टाइम ऐसा था अर्थ पे लाइक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता था उस टाइम पे। इवन हमारा अर्थ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। सबसे पहले हमारा यूनिवर्स बना है, फिर यूनिवर्स से हमारा अर्थ बना है, फिर अर्थ के ऊपर कुछ कंडीशंस आई है जिसके फिर उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आए। आई समझ में? यस गाइस। यस मैम। यस मैम। वन कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश मैम? या सबसे पहले व्हाट हैपेंड, हमारा यूनिवर्स अराइज, द फर्स्ट वन आपका यूनिवर्स अराइज हुआ। आफ्टर अराइजिंग द यूनिवर्स देन आपका, देन योर अर्थ
get existed. After the existence of Earth, there would be a situation like there should be a oxidizing nature, or it can be your reducing nature, which is types of environmental, because we know for the survival of a living organism, oxygen is necessary or not. Yes, ma'am. If there is no oxygen on the earth, then how a living organism can survive? So before the existence of any living organism, there would be any development of oxygen on the atmosphere. Yes, ma'am. After the existence of Earth, the second case, the existence of oxygen on the Earth, oxygen, water. Then living organism started arising. So the first organism that would be arises on the Earth should be your water living or aquatic, because from the aquatic animal we arises. So the first one organism who came on Earth was your porifera. They were the first organism which arises on Earth, porifera, and they have a asymmetric body. Like asymmetric, they have no symmetry in their body. And what is water canal system? Like if I tell you, this is your water canal system. From one opening, here is the opening. This is known as ostia. Idhar se water jayega, water will enter from ostia and it will come out from the osculum. And the food, oxygen, and all the materials are dissolved in oxygen. It will go by the ostia, and this porifera will accept all the food from it, will receive all the oxygen, and will put all the excretory material into the water, and then it will remove from the osculum. This system is known as, this is a canal, water canal system. And it is skeletal system, which is known as spicules and spongin fiber, and they have some cells which can absorb dissolved food, dissolved oxygen. Those cells are known as choanocyte cells. Yes, Shreya, you can leave. So firstly, we have porifera. They have asymmetric body. Asymmetric means they have no symmetry in their body. Second, we have cylindrata. I'll just remember it. Like in after animal kingdom, we have some phylums. In animal kingdom, the first phylum is porifera, second phylum is cylindrata. Every phylum has a unique property, or we can say every phylum ke jitne bhi organisms hai, all the organisms of every phylum play a unique type of game. So the game name of porifera is water canal system. They play a game which is known as water canal system. Yes, ma'am. Har ek phylum ka ek game hai, jiska pehle game ka naam hai water canal system. Then we have new phylum which is known as cylindrata, and they also play a game. Ye bhi ek game khelte hain. Us game ka naam hai metagenesis. Metagenesis is alternation of generation. They form polyp. They convert their body from polyp to medusa. And from medusa to polyp. They form polyp to medusa by which type of asexual? Asexual reproduction. And they form medusa to polyp. Which type? Sexual. Sexual. And we will learn their examples. Like polyp, pole hai dam, hota na, like a dam, kisi bhi river ke upar dam banaya jata hai, to us dam ke upar ek pole, bada sa pole like structure banta hai, and then uske upar dam hota hai. To pole represent what? Polyp. Hai represent what? Hydra. Or dam represent adamsia. And how we will learn examples of medusa? Medusa ke medicine or jelly. There are some students na, like jo medicine lene ke baad, they'll prefer to eat a toffee chocolate. I used to prefer it. Ki medicine ke saath saath mujhe haath mein toffee ya chocolate chahiye hota hai. To medicine or jelly. To medicine, med represent medusa, or represent Aurelia, or jelly represent jellyfish. Jellyfish. Yes. Are we done with this cylindrata? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Only polyp member, which is asymmetric. They have
नो फैशन सेंस, वी विल लर्न इट लाइक दिस. इनके पास कोई फैशन सेंस नहीं है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, हम लोग डेवलप होते जा रहे हैं ना, फैशन सेंस इज ऑल्सो गेटिंग इवॉल्व. फैशन सेंस एंड फ्रॉम एसिमेट्रिक टू दे मूव रेडियल सिमेट्री. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रेडियल सिमेट्री? He can divide the organism into equal halves by any plane. किसी भी plane से we can divide it into two equal halves. This is radial symmetry. And the next one phylum we have, Ctenophora. Again, they play a different type of game. The first game is water canal system. Second game is metagenesis. And the third game they have bioluminescence. Bioluminescence मतलब they have a unique property to emit light. Light emit करने की they have a unique property. And इसके अलावा Cylindrata phylum is also known as Cnidaria, na? Yes, ma'am. Why we call them Cnidaria? Because they have tentacles on their body. If you will look into their diagrams, they have like long thread-like structures. And you can represent it like those thread-like structures are just like their hairs. The Cnidarian everybody ke upar hairs grow kare. Just try to imagine it like evolution chal raha hai hamare earth pe. We are hum ek movie dekh rahe hain. Imagine kar rahe hain ki hum ek movie aisi dekh rahe hain jisme we have a earth jisme abhi koi organism exist nahi kar raha hai. We are looking into the water bodies ki we saw some organisms जिनका बॉडी बहुत एसिमेट्रिक है. दे हैव अ एसिमेट्रिक बॉडी. दे आर मूविंग अ वाटर फ्रॉम वन साइड एंड रिमूविंग इट फ्रॉम अनदर साइड एंड नेक्स्ट दे गेट कन्वर्टेड इन दे कन्वर्ट देयर बॉडी शेप एंड गोट इनटू रेडियल सिमेट्री एंड वी आर लुकिंग लाइक सम टाइम दे आर इन द पॉलीफॉर्म एंड सम टाइम दे गेट कन्वर्ट इनटू मेडुसा फॉर्म एंड आफ्टर टू थ्री डेज वी सॉ दे आर एमिटिंग सम लाइट. है ना, कुछ इस टाइप से मैजिक. Cylindrata, when they were in Cylindrata form, they form like long hairs on their body. And if they have hair, then they should need a comb, na? Comb chahiyega. Yes, ma'am. Cylindrata were not able to produce comb in their body, but Ctenophora, because comb hairs comb karoge, so you need light, na? Yes, ma'am. It was light nahi tha, but bioluminescence aa gaya Ctenophora mein, to inhone apne andar कॉम्ब भी ले आए. हाउ मेनी कॉम्ब्स है ना, लाइक कॉम्ब्स आर लाइक दिस. तो कॉम्ब्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे स्टिक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं. तो कितने इनके पास ऐसे प्लेट्स हैं? 8 कॉम्ब प्लेट्स. 8 कॉम्ब प्लेट्स. दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ Ctenophora. नेक्स्ट वी हैव प्लेटीहेल्मिन्थीस. Firstly, we will write all the phylum name. Platyhelminthes then? Eskelmanthes. Next, we have? Annelida. In the chordata, we have three members, three classes. Urochordata, cephalochordata, vertebrata. Cephalochordata and vertebrata. And in the vertebrata, we have again some classifications. So first is your cyclostomata and osteocytes. Then amphibia.
Reptiles, apes, and mammals. Reptiles. I was. Apes, mammals. Mammals, yeah, we can say it mammalia. So we have written all the phylums. So let's try to write down. Platyhelminthes, like starting ke, we have three phylums which have diploblastic body. What do you understand by diploblastic? Like they are made up of only two types of germ. Ectoderm, endoderm. There is no mesoderm. Okay? But after the platyhelminthes, all the phylums are triploblastic. All phylums are triploblastic. So we will hum usko nahi likhenge triploblastic. But from Ctenophora also has radial symmetry. But yes, ma'am. These have bilateral symmetry. Bilateral symmetry. Bilateral symmetry is that symmetry in which we can divide the organism into two planes, into two walls by only a single plane, by cutting it only a single plane. सिर्फ एक सिंगल प्लेन से हम उसको दो पार्ट में कट कर सकते हैं. द एग्जांपल इज योर हार्ट. हार्ट को सिर्फ स्ट्रेटली कट कर सकते हैं. ठीक है. प्लेटीहेल्मिंथीज, ऑल द मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिंथीज हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर्स व्हिच हैव सकर्स एंड हुक्स. हुक्स एंड सकर्स. दे हैव अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन व्हिच इज योर फ्लेम सेल्स. अब देखो, फर्स्ट वन Porifera have a game name which is known as water canal system. Second, the game name is known as metagenesis. Third one, the game name is bioluminescence property. What do you understand by fourth? Fourth ke andar kya game hai? What is happening in the fourth one? Fourth one ne kya kiya? Like ek story type se, I'm just tell you, try to explain with the story. All the organisms were living only into the water. Porifera is aquatic, Coelenterata aquatic, Ctenophora aquatic. So organism get bored in the water medium only. Water medium mein bore hona shuru ho gaya. Then they thought ki what they can do in their life. Wo kya kar sakte. Then they start living into the body of another organism. Kisi dusre organism ki body ke andar unhone rehna shuru kar diya. So how they will enter into the body of another organism? They make their body flat. इन्होंने अपनी बॉडी को फ्लैट बनाया सो दैट दे कैन इजीली पेनिट्रेट इनटू द समवनस बॉडी. सो द ऑल द प्लेटीहेल्मिंथीज हैव फ्लैट बॉडी. दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो कॉल देम फ्लैट वर्म्स. इफ दे विल बी लिविंग इन समवनस बॉडी देन उसके पास दे विल हैव इनफ फूड. खाने के लिए बहुत सारा फूड होगा. In starting ke three phylums, they have only one medium, which is the water, by which they can get their food. But platyhelminthes are living into another organism's body. So that's why they have unlimited food. So if they will eat unlimited food, they will need a proper excretory system, a proper excretory organ. Yes, ma'am. After the platyhelminthes, every phylum should have a proper excretory organ. So platyhelminthes have a excretory organ, which is the phloem cells. And they have a body, two structures, hooks, by which they get stuck with another body. Jiske through ye kisi dusri body se hook ke through attach ho jayenge and suck, wahan se food ko suck karenge. Clear? Yes. Have SK helminthes. SK helminthes have a unique property. They show pseudocoelomate. And platyhelminthes are acoelomate. Matlab they have no coelom in their body. What is coelom? Coelom is like if their body wall is lined by mesoderm. Agar aapki body wall mesoderm ke through lined up hai, then this is known as coelomate. Platyhelminthes ki body cavity is not lined with coelom. In SK helminthes, it is lined by coelom, but in packets form. Continuous layer नहीं है mesoderm का, packets की form में है. तो special जो character है pseudocoelomate, वो SK helminthes में बहुत question यहाँ से पूछा जाता है. Next, annelida के अंदर आपका the सबसे important character कि annelida जो होते हैं, they show metamerism.
सेगमेंटेशन इनके अंदर पाया जाता है. सो इफ आई ट्राई टू आस्क यू कि आप लोगों का स्कूल एग्जाम्स में कैसा आ सकता है, तो स्कूल एग्जाम्स में दे कैन गिव यू एनिलिडा कि राइट डाउन द फाइव यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ एनिलिडा, राइट डाउन द फाइव यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ मोलस्का. तो आपको इसी वे में पूरा का पूरा पढ़ते चले जाना है. सबसे लार्जेस्ट फाइलम इज योर आर्थ्रोपोडा. हैव अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन विच इज मेलफीजियन टिब्यूल. Mollusca is the second largest phylum. In the same way, Echinodermata also play a game which is known as water vascular system. Hemichordata have a special structure, stomocoids. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कॉन्ड्रिचाइट्स की जो जितने भी members हैं, all members are made up of cartilaginous bones इनके अंदर पाए जाते हैं. And osteichites have bony. Amphibians again they can live on water as well as on land. Reptiles कैसे move करता है? Crawling करके करता है. Avies के अंदर special character they have pneumatic bones है, which is known as hollow bones. Hollow bones होता है. And mammals का unique character, mammals have memory glands. They have mammary glands. And I have told you, amphibians have how many chamber heart? 3 chamber. Oh. Amphibians also have 3 chamber. Except crocodile, which have 4 chamber heart. And avies and mammals have 4 chamber heart. Which can show proper double circulation. And you need to differentiate between cyclostomata and chondria. Cyclostomata have circular mouth. They have a circular and sucking mouth in ke paas present hota hai. They have gill slits, jo ki paired ki form mein hote hain. They have paired gill slits. ठीक है, ऐसे आपको यू नीड टू रिमेम्बर डिफरेंस बिटवीन यूरोसिफेलो एंड वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा इन विच your notochord is replaced by vertebral column. ठीक है, तो ये सिंपल चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ से याद रख के चलनी है. Yes ma'am. Are we done with the first unit? Yes ma'am. तो अगर आप तो इनके लास्ट में so have any doubt you can ask me. No ma'am. चलो, अगर डाउट नहीं है सो वी विल फिनिश आवर क्लास राइट हियर ओनली.